press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे लोको पायलट 26,000 भर्तियों के बारे में, जिसमें भारतीय रेलवे ने निकाली हैं। अभी जो हमने पिछला वीडियो आपको दिया था, उसमें हमने आपको बताया था कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना पूरी तरह से फ्री होता है, इसमें कोई भी चार्ज शुरू में या बाद में सब्सक्राइबर पे नहीं लगाया जाता है। तो आप बिना किसी झिझक के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साइड में लगे एक बेल बटन है, उसे भी आप क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो हम ये तो जानते ही हैं कि इस वैकेंसी में रेलवे ने हमारे को दो वैकेंसीज दी हैं, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की। अब हमें ये देखना है कि इसमें बेसिकली सिलेबस इन्होंने क्या दिया है। सिलेबस से पहले इसमें एक चीज़ जो नोटिफिकेशन में आया है, ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन टू ऑल द नोटिफाइड पोस्ट ALP एंड टेक्नीशियन हैज़ टू बी सबमिटेड बाई द कैंडिडेट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। मतलब कि आप भले ही RRB कितने ही अलग अलग जोन के हों, लेकिन आप जो फॉर्म देंगे वो सिर्फ एक ही फॉर्म इसमें ऑनलाइन सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे लिए जो पहला पेपर होगा वो होगा फर्स्ट स्टेज CBT कॉमन फॉर ALP एंड टेक्नीशियन। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जो हमारा पहला पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ड्यूरेशन इस पेपर की रहेगी 60 मिनट की और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75। इसमें जो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स की इन्होंने दी है वो है अनरिजर्व्स के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%, ठीक है। और इसमें जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 2% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। जो पहले स्टेज का हमारा एग्ज़ाम होगा, उसमें हमारे पास चार तरीके के एग्ज़ाम होंगे। एक होगा मैथमेटिक्स का, एक होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, फिर होगा हमारे पास उसके अलावा हमारे पास होगा जनरल साइंस का, और फिर उसके बाद है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का। मैथमेटिक्स में जो हमसे पूछा जाएगा वो है नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रमोशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक एंड पाइप्स एंड सिस्टम। जो जनरल इंटेलिजेंस में हमारे से पूछे जाएंगे डेट इज़ एनालॉगीज, एलजेब्रिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, साइनोलिज, जंबिंग, वैन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशेंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस एक्सेट्रा। जनरल साइंस के लिए जो हमारा सिलेबस है, द सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी 10वीं के स्तर पे जो हमारे से फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस हमारे को पढ़ाई जाती है, उस हिसाब से हमारा जनरल साइंस का पेपर आएगा। जनरल अवेयरनेस में जो आएगा वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। इसके बाद अगर आप पहला स्टेज का एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो सेकंड स्टेज में हमारे से
जो एग्ज़ाम होगा वो भी CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और वो बच्चे होंगे जो शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। इसमें टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होगा वो होगा 2 घंटे 30 मिनट का, ठीक है। और उसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 100। मिनिमम परसेंटेज जो इसमें अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इन्होंने मांगे हैं वो है अनरिजर्व के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%, और फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए 2% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। यहाँ पे भी हमारे पास चार पेपर आएंगे, जिसमें एक होगा मैथमेटिक्स का, एक होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, और जनरल अवेयरनेस और ऑन करंट अफेयर्स का। मैथमेटिक्स में जो हमारे से पूछा जाएगा वो है नंबर सिस्टम, मॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रमोशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टर्न एक्सेट्रा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में जो हमसे पूछा जाएगा डेट एनालॉगीज, अल्फाबेरिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, जम्बिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशेंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशंस एक्सेट्रा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में जो है वो है द बोर्ड टॉपिक दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शंस, व्यू व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी लेवल एंड सिंपल मैकेनिक्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, IT लिटरेसी एक्सेट्रा। फिर उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में आएगा इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। फिर जो हमारा पार्ट बी का क्वालिफिकेशन होगा उसका जो ड्यूरेशन है वो है 60 मिनट का। इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 35% का रहेगा। और ये हमारे जो इंजीनियरिंग लेवल पे हमने जो कुछ भी इसमें पढ़ा हुआ है, जिस जिस ब्रांच के हिसाब से आपकी इंजीनियरिंग होगी या जिस ब्रांच से आपने कुछ भी अपना ITI या डिप्लोमा वगैरह किया है, उस हिसाब से यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज, यानी 42% मार्क्स हमारे को अपने सभी स्कोर में लेके आना पड़ेगा टू क्वालिफाई। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिसेबल। यानी किसी भी कास्ट के हिसाब से या किसी भी चीज़ के हिसाब से या फिजिकल हैंडीकैप के हिसाब से कोई इसमें रिलैक्सेशन अलग से नहीं दिया जाएगा। 42% मार्क्स आपको इसमें क्वालिफाई के लिए करना ही पड़ेगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट्स करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.